नमस्कार, मैं हूं अल्ताफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ ख़ास खबरों पर। चालक परिचालक सेवा समिति इकाई सिरोंज के पदाधिकारियों द्वारा भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में बसों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, जिस कारण से ड्राइवर कंडक्टर क्लीनरों को प्रतिमाह मिलने वाली मामूली राशि भी नहीं दी गई, जिससे इन लोगों के परिवारों वालों पर आर्थिक संकट आन पड़ा। ये लोग अपने अपने घरों में बैठकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे थे, लेकिन इस संकट की घड़ी में मोटर मालिकों और सरकार ने इन लोगों की सुध नहीं ली, जिससे उनके परिवारों को पालने में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुचरण सिंह पूर्व विधायक रहे ना। अच्छा, विदेश वाले क्या? आज हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई है, जिसके अंदर हमने चालक परिचालक को संघ से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि अति गरीबी रेखा के अंदर इन्हें चालक परिचालक को जोड़ा जाए। चालक परिचालकों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस माफ़ करी जाए, उन्हें कलेक्टर रेट से वेतन दिया जाए, और 3 महीने से जो वेतन नहीं मिला है वो प्रशासन या मोटर मालिक वेतन दे। मध्य प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है और उसके बाद अभी तक बसें खड़ी हुई हैं। इन पर काम करने वाले चालक परिचालक संघ पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। उनको ना तो मोटर मालिकों की ओर से कोई पैसा मिला या कोई सुविधाएँ मिली, ना शासन ने उनका ध्यान रखा। मध्य प्रदेश में करीबन 35,000 बसें खड़ी हैं। एवरेज 1,00,000 परिवार आज विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अब क्योंकि ये लोग दैनिक वेतनभोगी हैं, उनका खर्च उन्हीं से चलता है, और कोरोना के समय महंगाई बहुत बड़ी है, इन लोगों का परिवार का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस बात को लेकर आज हमने राजा दिग्विजय सिंह से भेंट की, जो कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने भी कहा कि मैं इस बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखूंगा और जल्द से जल्द इनके लोगों की मांगें पूरी कराऊंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए न्यूज़ इंडिया फोर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।